असलम एवरी वन दिस इज मी हिना न्याजी और आप लोग देख रहे हैं शो टाइम विद रमीज राजा टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप स्पेशल और आज के दो मैचेस जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग एक तो अभी जारी है पहला मैच जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग था बहुत नहीं सारी नहीं हुआ नहीं हुआ ना वो मैं बताने लगी हूँ क्यों नहीं हुआ मैं हूँ हिना न्यासी मेरे साथ है जहीर इरफान साहब आज हम बहुत सारी डिस्कशन करेंगे इस पे कि अफगानिस्तान से बहुत ज्यादा उम्मीदें थी और पहली बार उनका सेमीफाइनल में पहुंचना और फिर हम सब भी ये सोच रहे थे कि कोई हिस्ट्री बनने वाली है साउथ अफ्रीका के साथ ये एक बात अटैच की जाती है कि जी वो चोकर्स हैं और इस तरह के बड़े मैचेस में आके जब भी सेमीफाइनल या फाइनल में जाते हैं चोक कर जाते हैं लेकिन फॉर्चुनेटली कहेंगे कि उन्होंने चोक नहीं किया और अफगानिस्तान की टीम ने इतना सेलिब्रेट किया इतनी खुशी मनाई सेमीफाइनल में पहुंचने की कि सेमीफाइनल से बाहर हो गए बिल्कुल ऐसे ही ना ये कल भी मैंने बात की थी जी वो उस शायद उस जो थी उससे बाहर नहीं आया ये दुनिया का रूल है ये खेल का रूल है कि आप अब जो करंट मोमेंट है उसमें रहना पड़ता है तो एक्साइटमेंट इतनी नहीं होनी चाहिए और एक्साइटमेंट के अंदर कि आप आगे का सोचे ही ना और गोल्डन कल का ही नहीं हौला रखो मतलब आपने बोल बोला दोनों में किसी ने नहीं बोला उनको, उनको हमारे साथ हमारे गेस्ट भी मौजूद है अजहर अली साहब हमें स्टूडियोज में ज्वाइन कर रहे हैं कैसे हैं आप अल्हम्दुलिल्लाह आज आप बहुत ठीक लग रही है अलहमदुल्ल आज मेरी तबीयत भी ठीक है तो इसलिए मैं ठीक हूँ असला मिजहार बाजवा साहब भी हमारे साथ मौजूद है आप कैसे है ठीक ठाक आप कैसे मैम अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक खुश और एक और इम्पॉर्टेंट मैच जारी है उससे पहले उस पर बात करने से पहले मैं अनाउंस करती चलूं कि हमारा क्विज होता है रोज़ और आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं सही जवाब देकर आप अपने शहर का नाम भी हमें बता सकते हैं अपना नाम भी बता सकते हैं अपनी तस्वीर अगर आप समझते हैं कि आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप ज़रूर कीजिए हम आपकी पिक्चर भी ज़रूर दिखाएंगे और आज का जो हमारा क्विज़ है वो ये है कि टी वर्ल्ड कप में अब तक फाइनल में सबसे ज्यादा स्कोर कितना बना ऑप्शन पर आ रही हैं, आप देख सकते हैं और अगेन अगर हिंट की बात करें फांसा पता नहीं वो आज हिंट देना चाहते हैं नहीं ये लेकिन ये ये हिंट दे देते हैं कि वो जो टोटल बना था वो चेज भी हो गया था अच्छा ये, ये मेरा ख्याल अच्छा और मैं हिंट ये देना चाहती हूँ कि गूगल पे भी सही जवाब आ रहे हैं वो लोगों को बताने की जरूरत नहीं है तो लो वो लोग वो लोग ही देख लेंगे <laughs> अच्छा अजहर अली साहब वैसे क्या किया है अफगानिस्तान की टीम ने मतलब बनता था ये <laughs> आपसे आप आप पूछना चाहिए <laughs> आप जी नहीं मैंने मैं साउथ अफ्रीका को सपोर्ट कर जैसे मैंने ग्रुप में पूछा था ना ये क्या किया है ये क्यों नहीं खेले आज मैं वही सवाल आपसे करना चाहती हूँ कि इन्होंने क्या किया है क्यों नहीं खेले बस एक तो ऑब्वियसली एक्साइटमेंट जैसे इरफान भी ने जिक्र किया था कि एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा हो जाती है कि फ़र्स्ट टाइम सेमीफाइनल में पहुँचे हैं आ, मेरे ख्याल में थोड़ा ज़्यादा सेलिब्रेशन की तरफ चले गए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी नो डाउट अबाउट इट और मतलब कि उनको खुश भी होना चाहिए था हाँ उनकी कंट्री सेलिब्रेट करती चाहे वो दो दिन करती रहती लेकिन आ, जब आप जैसे मैंने शाम के शो में भी ये आ, मिसाल दी कि जब आप सेंचुरी करते हैं ना तो आप ये आउट हो जाए ना मतलब कैजुअल वे में आउट हो जाए तो आपको ये दुख होता है फिर आगे यार मैंने नेक्स्ट टाइम जीरो से स्टार्ट करना है हाँ जी। तो अब आप जब सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं तो आप मेक श्योर sure करें कि आपने जब नेक्स्ट टूर्नामेंट खेलना है तो सेमीफाइनल से स्टार्ट नहीं करना आपने दोबारा से क्वालिफाइंग कौलिफि, राउंड खेल के फिर सुपर एट वटर फॉर्मेट जो भी होगा उसमें फिर आप जाके सेमीफाइनल में पहुंचेंगे बहुत मेहनत करके तो हमेशा ये होता है चाहे आपकी इंडिविजुअल इनिंग हो या कोई टूर्नामेंट हो जब आप अच्छी स्टेज पे पहुंच जाए ना तो मेक श्योर sure करें कि आप उस पर कैपिटलाइज करें ये ना करें कि उसको, उसको उसकी खुशी में आप एक बड़ी अचीवमेंट लेकिन जिसने किसी बैट्समैन ने अगर 200 या 300 रन बनाए ना वो अगर 100 पे खुश हो जाता तो वो ना बनाता दिकुण दिकुण तो इसी तरह ये कि जब आप सेमीफाइनल में पहुंचते हैं ना तो आप मेक श्योर sure करें कि ये अपॉर्चुनिटी जो हमारे हाथ में आई ये कंडीशन हमारी फेवर की है exactly. हर चीज मेक श्योर की यहाँ पे हम मैक्सिमम करें हर जीत खेल का हिस्सा है लेकिन आई फील के जिस तरीके से उनको पता होना चाहिए था कि हमारे ओपनर्स ही मेनली हमारी बैटिंग में स्कोर कर रहे हैं मैं थोड़ा सा कैंडी ऐड करता चलो चूंकि अभी मैच चल रहा है भी उस पर ही बात करते हैं सूर्य कुमार यादव भी आउट हो चुके हैं तो हाँ, वो क्योंकि ऑब्वियसली फिनिशर के रोल में भी इनको कंसिडर किया जाता है रोहित भी आ, आउट हो गए रोहित भी आउट हो चुके हैं अदर भाई इस मैच को भी साथ साथ हम डिस्कशन में रखेंगे पूरा शो क्योंकि हमारा ड्यूरिंग शो ये मैच चलता रहेगा ठीक है टॉस बड़ा वाइटल था और टॉस कब क्योंकि बारिश अभी तो प्रडिक्शन यही शायद आप ना हो बट पासिंग शार की फिर भी चांसेस है पॉसिबिलिटी है तो DLS भी आ सकता है और प्लस आपके पास जब मॉइस्चर का जब भी चांस अभी खत्म हो जाएगा शुरू में थोड़ा लो था तो टॉस के डिसीजन के बारे से क्या कहेंगे आप देखिए अगेन वट एवर द टीम इज कम्फर्टेबल बट मेरे ख्याल में यहाँ पर कोई भी रन जो भी इंडिया करेगी इतना ईजी नहीं होगा चेज करना क्योंकि अभी भी हमने कुछ डिलीवरीज देखी है बहुत ज्यादा टर्न हुई है और नीचे भी रही है तो अगेन वही बात है कि इंडिया के पास जो बॉलिंग अटैक है स्पिन बॉलिंग अटैक स्पेशली वो तंग कर सकता है आ, आ, जो इंडिया इंग्लैंड की टीम को और बुमराह की भी अगेन बहुत फॉर्म है तो आई थिंक कोई भी टोटल 160 प्लस 170 होगा तो गयी नॉर्मली गियाना में इतनी आसानी असान, से चेंज नहीं होता तो लेट्स सी ये तो मैच के बाद ही आ, राइट या रॉन्ग साबित होगा डिसीजन लेकिन आई फील के बड़ी गेम में हमेशा रन ऑन द बोर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट Uh, लेकिन इंग्लैंड ऑलवेज लाइक टू चेज लेट्स सी इफ दे वैसे भी भी चाहेंगे, 182 इसका एवरेज टोटल होता है, है, नहीं है।, hmm. तो ये बताती है पहले और बाद में एक तरह की पिच रहती है तो ये आपके में है? जो स्टैटिस्टिक्स मैंने चेक किया है उस हिसाब से जो एवरेज फर्स्टिंग टोटल इस टूर्नामेंट में बन रहा है गयाना में बन रहा है और पांच मैचेस में तीन दफ़ा पहले बैटिंग टीम करने बैटिंग करने वाली टीम ने जीते और दो दफ़ा सेकंड बैटिंग टीम करने वाले अगर उस हिसाब से हम वैल्यूएट करें तो मेरे ख्याल में अगर इंडिया वन सिक्सटी वन सेवनटी आउट भी पुट कर देते हैं स्कोर बोर्ड पर तो इंग्लैंड के लिए चेज़ करना बड़ा मुश्किल होगा और मेरे ख्याल में इंग्लैंड ने अगर चेज़ करना है ये टोटल जिस तरह पिच का बिहेवियर हमने थ्रू आउट द दे मैच देखा है पिच लो बाउंस है अन बाउंस है बॉल बैठ जाती है टर्न भी बहुत ज़्यादा हो रहा है इंग्लैंड को पावर प्ले को कैपिटलाइज करना बड़ा इंपॉर्टेंट है hmm. तो पहले छह ओवर में दे हैव टू गेट अड ऑफ द गेम दे हैव टू टारगेट इंडियाज फास्ट बॉलर्स या फिर अगर कोई स्पिनर का भी अनलाइकली uh, है कि वो स्पिनर से स्टार्ट करें लेकिन <coughs> इंडिया के जो फास्ट बॉलर्स हैं उनको इंग्लैंड का टारगेट करना बहुत जरूरी है और कोशिश करना कि पावर प्ले में पचास साठ के करीब स्कोर कर लें एंड गेट हेड ऑफ द रन क्योंकि जैसे जैसे गेम प्रोग्रेस करेगी पिच स्लो होती जाएगी और हिट करना बड़ा मुश्किल होता जाएगा hmm. तो ये इंपॉर्टेंट है दूसरा पाकिस्तान के बारे में हम कल भी बात करे थे कि दे वर वेरी ओवर रिलायंट ऑन द टॉप ऑर्डर इब्राहिम जदरान थे या रहमान गुरबाज थे तो अगर और ये एक वीकनेस थी इनकी एक मैसेज वीकनेस थी और उन पर अगर उनके बाद कोई भी रन्स करने वाला नहीं था साउथ अफ्रीका ने बहुत अच्छा स्टार्ट लिया उनके फास्ट बॉलर्स बेहतरीन बॉलिंग की मार्को यसन ने रबाडा ने नोकिए ने जबरदस्त बॉलिंग की इवन मिडल ओवर्स में शमसी ने टेल को बड़ा जल्दी उनको वाइप आउट किया और

में जितना वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं क्या फाइनल में भी हमें ये परफॉर्मेंस उनकी देखने को मिलेगी देखिए स्पिनर्स का रोल थ्रू आउट स्पेशली कैरबियन करिबियन में बहुत ज़्यादा रहता है और जो स्टेज था वो सेट था उनके लिए जो पास बॉलर्स ने काम कर दिया हुआ था नि और स्पेशली नि जब टेल सामने आती है तो स्पिन स्पेशली लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिन हो तो वो बहुत ही मुश्किल होती है टेल एंडर्स के लिए पिक करने के लिए तो आई थिंक वो राइटली वो पिक भी नहीं कर पा रहे थे उनको तो कल की परफॉर्मेंस ज़्यादा उससे पिछले मैच की परफॉर्मेंस ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी लेकिन अगेन इजहार वाली बात के जब आप आप टीम को को दबाया हो हो ना आपने आप वो 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 बिल्कुल एक साइड पे लगी हो, तो make sure करें वो उठना पाए आई थिंक तो उस उस हिसाब उस से उसका रोल बहुत important था कि किया टेल भाई नजर आया almost half an hour के मैच तो कर दिया था विकेट भी अगेन इस पूरे वर्ल्ड कप में एक चीज बहुत ज्यादा एविडेंट रही है कि कंडीशन मोस्ट मैच में मजा नहीं आया मेरे ख्याल में ठीक है बॉलर्स को एट टाइम्स uh, बहुत ज्यादा फ्लैट विकेट्स पे सफर करना पड़ता है लेकिन ऐसी भी नहीं होनी चाहिए अब ये सेमीफाइनल के विकेट पे भी देखें uh, अफगानिस्तान ठीक है अंडर uh, परफॉर्म कर गई लेकिन आप विकेट भी देखें उसमें एक्स्ट्रा बाउंस बहुत ज्यादा था क्रैक्स इतने ज्यादा नजर आ रहे थे अन और बहुत ज्यादा साइड मूवमेंट और टी में ना ये बहुत मुश्किल हो जाता है तो इवन वनडे में या टेस्ट में आप क्योंकि टाइम ज्यादा होता है तो आप सरवाइव करके अपने टाइम का वेट कर सकते हैं लेकिन टी क्रिकेट में आप कितनी देर वेट करेंगे उतनी देर में ओवर खत्म हो जाएंगे तो आई फील के कंडीशन को बेहतर इतना जरूर करें जैसे ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप हुआ था राइट बैलेंस बिटवीन बॉल एंड बैट था थोड़ी देर नया बॉल तंग करता था लेकिन मिड ओवर्स और एंड के ओवर्स में हिटिंग अच्छी हो जाती थी लेकिन यहाँ पे मुश्किल होती है तो मुश्किल ही रहती है क्योंकि यहाँ पे बहुत लो स्कोरिंग मैच एट टाइम्स हुए हैं बिल्कुल है हार बाजवा साहब हम आपसे भी जानना चाहेंगे अगर अफगानिस्तान की बात करें तो उनके लिए मैच बहुत इंपॉर्टेंट था इनफैक्ट ये साउथ अफ्रीका के लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट था लेकिन इस तरह से हार जाना इतने दूर आना अब क्या समझते हैं अब उनका फ्यूचर क्या होगा फिर मेन रीज़न अगर हम फाइंड आउट करने की कोशिश करें डू थिंक वट इज मेन रीजन उनकी विक्ट्री हासिल ना करने की देखिए इनके लिए टूर्नामेंट मिक्सड बैग रहा है जिस हुँ. तरह वो क्वालिफाई किया उन्होंने सेमीफाइनल के लिए बहुत ही मैसव अचीवमेंट है रिसेंटली uh, उन्होंने इतनी जो अपर ट्रोजेक्ट्री है उनकी पिछले दो तीन साल में uh, बेबी स्टेप्स उन्होंने लिए पहला जो 50 ओवर वर्ल्ड कप था उन्होंने उसमें इंग्लैंड को हराया पाकिस्तान को हराया जो कि बहुत बड़ी अचीवमेंट थी उससे पहले वो टेस्ट प्लेंग नेशन खिलाफ इतना उनका अच्छा रिकॉर्ड नहीं था इवन सो मच सो जिस तरह कल ट्रांसमिशन में रमीज़ भाई बात कर रहे थे कि इवन साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया तो इनके साथ खेलने को नहीं प्रेफर करते थे खेलना नहीं चाहते थे तो इस तरह उन्होंने जो लास्ट वर्ल्ड कप में ये दो विक्ट्रीज ली इससे उन्हें बड़ा ही कॉन्फिडेंस मिला उनका जो इंडिविजुअल प्लेयर्स पहली थे इंडिविजुअल ब्रिलियंस तो पहली उनके पास थी राशिद खान था या रहमानला गुरबाज की बड़ी अच्छी इनिंग्स थी या फिर उनके स्पिनर्स बहुत अच्छे थे नबी मुजीब जो इस टूर्नामेंट में इंजर हैं लेकिन आ, वो तो दिखाते थे आते आहिस्ते उन्होंने टीम ने जेल इन किया उनकी फास्ट बॉलिंग ने इम्प्रूव किया और जो अच्छी चीज़ है उनके लिए जो उनका स्क्वाड है अभी नबी तो ओल्ड हैं थोड़े पुराने हैं अराउंड थर्टी एट थर्टी काफी अर्से से खेल रहे हैं दो में उन्होंने पहला अपना इंटरनेशनल मैच खेला था लेकिन बाकी जो उनका स्क्वाड है रिलेटिवली यंग है एंड दे आर इन दियर अर्ली ट्वेंटीज अभी भी देव गॉट गुड टेन ईयर्स ऑफ क्रिकेट अहड ऑफ़ दैम तो इट्स अ ग्रेट डेवेल्पमेंट ग्रेट अचीवमेंट फॉर देम टू बी एबल टू क्वालिफाई फॉर द सेमी फाइनल लेकिन आई स्टिल थिंक जब वो सेमीफाइनल में गए थे तो जिस हंगर से जिस डिज़ायर से जिस पैशन से उन्होंने टूर्नामेंट में खेला था और जो फोकस उन्होंने सेमीफाइनल तक अचीव करने के लिए दिखाया था वो कहीं ना कहीं वो लूज करके पहले भी हमने बात की कि जिस तरह वो सेलिब्रेट कर रहे थे इन्जॉय कर रहे थे डेफिनेटली बनता था लेकिन उसको भी उन्हें किसी तरह टेपर डाउन करना सेलिब्रेशन को टेपर डाउन करना था सीनियर रोल्स का सीनियर प्लेयर्स का रोल होना चाहिए था कि वो समझाते काउंसिल करते कि अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट मैच और इस तरह आई पीपल वुड से दे हैव ओवर अचीव्ड

सेमीफाइनल जीतने के बाद जो नॉर्मल सी उनकी सेलिब्रेशन थी कोई खास नहीं आई फील के उनका टारगेट है कि हमने अब चैंपियन बनना है तो यू नो अगेन इट कम्स फ्रॉम द लीडरशिप दैट इज टीम मैनेजमेंट एंड द वो दोनों की तरफ से बड़ा दोनों बड़े काम रह रहे हैं थ्रू आउट द टूर्नामेंट एंड आई एम श्योर कि वो, वो फाइनल भी अच्छा खेलेंगे देखिए रिजल्ट हार जीत uh, mm. uh, खेल का हिस्सा है लेकिन जो प्रोसेस लग रहा है साउथ अफ्रीका की टीम जी. का वो बहुत जबरदस्त है और आ, मैं समझ रहा हूँ कि जो जिस तरीके से हम समझ रहे थे कि यार नेपाल हो गई बांग्लादेश से बड़ा मुश्किल से ये जीत रहे हैं तो क्या आगे जाके जीतेंगे लेकिन वो कंडीशनस ही ऐसी थी exactly. जहाँ पर दोनों टीमें इक्वली हो जाती हैं क्योंकि वो मतलब बैटिंग के लिए बहुत टफ़ विकेट्स थी लेकिन ये है कि अंडर प्रेशर काम रहे तो आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड साउथ अफ्रीका के लिए एक यंग कैप्टन एडन माकरम के शक्ल में मिल जाना उनको

जेजा हम देख तो इंग्लैंड को अगर ये कहीं पच्चीस से तीस रन बना गए इन बारह पंद्रह बॉलों पर तो फिर इंग्लैंड के लिए बहुत टफ टास्क होगा क्योंकि बड़ा मैच है जहां भी विकेट गिरेगी वहां पर इंडिया प्रेशर डालेगा इनके ऊपर तो आई फील के इंडिया स्टिल इंड In a decent position, और अगर वो बीस पच्चीस रन और बना लेते हैं 175 के ये स्कोर कर लेते हैं ये दो ढाई बहुत अगर इसमें इंग्लैंड के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है कि इंडिया को वन सिक्सटी वन तक रिस्ट्रिक्ट करें अगर इससे ज्यादा स्कोर कर गया इंडिया कर गया इंग्लैंड के लिए चेस करना उसको बड़ा ही टफ होगा

ने exactly. भी हुए हैं और दूसरी उल्टा भी है ना कि जहाँ पे फिर इनटू द विंड शॉट लगे तो अच्छी बिली आ, लगी भी रही लेकिन रही लेकिन आप लोग क्या है तो ये कहा था कि साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड का फाइनल मुझे लग रहा है इंडिया के साथ होगा चले मेरा कल तक तो यही था कि साउथ अफ्रीका इंग्लैंड का होगा लेकिन अब जिस तरह इंडिया ने स्कोर कर लिया मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं साउथ अफ्रीका वर्सेस इंडिया होगा लगता कोई के के लिए अब शायद मुझे भी लग रहा है कि कि इंग्लैंड <laughs> इंग्लैंड देखिए मैं अब अब जिस जिस के के भी बात ना <laughs> की जैसा बैटिंग लाइनअप है मेरा नहीं ख्याल जिस तरह उनके दो तीन टॉप ऑर्डर के जो हिटर है एक भी खड़ा होता है तो उनके लिए कोई मुश्किल नहीं होगा वैसे बिल्कुल लेकिन ख्वाहिश होना मुझे लग रहा था कि इंग्लैंड पहुंचेगी फाइनल में क्योंकि इंग्लैंड टी ट्वेंटी की टॉप साइड है इंडिया भी टॉप साइड्स है लेकिन अगेन वही बात है ये जो क्रुशियल टाइम है ना दो ओवर्स का इसमें अगर ये रिस्ट्रिक्ट कर गए इंडिया को 160 से नीचे पॉसिबल है कि अगर डेथ बॉलिंग अच्छी कर जो बाउंड्री ना लगे तो 160 से नीचे रख गए तो इवन गेम हो जाएगा अच्छा, अगर, अगर वो, की बात कर रहे हैं लेकिन अगर इंडिया की भी बात करें तो अनबीटन रही है अभी तक और बहुत अच्छा परफॉर्म किया उनके भी प्लेयर्स ने परफॉर्म किया लेकिन एक प्लेयर जो सबसे बड़ा प्लेयर उसका जरूर दोबारा जानते हैं कोहली विराट कोहली पूरी दुनिया की नजरें

और बड़ बड़े आसानी से हम कह सकते हैं यार इसको नहीं लाना चाहिए था या इसको रिटायर हो जाना चाहिए अभी पिछला वर्ल्ड कप जो पाकिस्तान को मैच हराया जो वो कोहली के अलावा कोई भी और होता वो का काम नहीं कर सकता था। तो अगेन ये प्लेयर्स ऐसे हैं कि जो परफॉर्म ना भी करे ना तो टीम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हम ये चीजें भूल जाते हैं कि यार ये दूसरे प्लेयर्स के लिए कितना पॉजिटिव इम्पेक्ट है कि जब विराट कोहली डगआउट में बैठा हुआ किसी यंगस्टर को समझा रहा होगा टफ सिचुएशन में ऑल दो उसने रन नहीं किए लेकिन उसका इम्पैक्ट कितना जाएगा।, जाएगा और सबसे अच्छी बात विराट कोहली की ये है वो फिट है। वो फिट फील्डिंग में एक बर्डन नहीं है आपकी टीम के ऊपर तो कोई भी प्लेयर होगा हो सकता है सूर्य कुमार यादव नेक्स्ट टूर्नामेंट में परफॉर्म ना करे हो सकता है कोई और ना करे हो सकता है रोहित शर्मा भी भी बड़ी दफा आपको याद होगा आई थिंक दुबई वाले वर्ल्ड टी ट्वेंटी में जिसमें रोहित शर्मा से नहीं परफॉर्म हुआ था तो विराट कोहली कैप्टन थे और उनसे सवाल हुआ था उन्होंने कहा था रोहित शर्मा का फ्यूचर कहाँ देख रहे हैं आप तो उसने जवाब बहुत जबरदस्त जवाब दिया उसने कहा आप रोहित शर्मा के बारे में बात कर रहे हैं ना तो वो आ, मतलब उसने इतना पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया कि आप रोहित शर्मा के बारे में बात कर रहे हैं जो टॉप प्लेयर है वर्ल्ड का आई थिंक प्लेयर्स ऐसे होते हैं हाँ। जो टीम में मेजोरिटी ऑफ द टाइम परफॉर्म कर रहे होते हैं है लेकिन मैं इस चीज पे थोड़ा सा हूँ कि विराट कोहली का ये कहना कि यार कि वो 35, 36 में अगर एज कर भी रहे लेकिन उनकी फिटनेस देखें अभी हम ब्रेक पे भी इसमें मजीद बात करेंगे कितने फिट और हमारे प्लेयर्स कितने उनको होने की जरूरत है आपने कहीं नहीं जाना देखते रहिए शो टाइम राजा टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप स्पेशल एंड यू आर राइट बैक आफ्टर द ब्रेक इसमें है ना जैसे बात ब्रेक में जो बात कर रही ब्रेक में बात कर <laughs> वो कर ली इसमें क्रिकेट में जिस हमने बात की कि, कि काफी जिंक्स अटैच है जैसे साउथ अफ्रीका का चोक करना कभी इवेंट में सेमीफाइनल ना जीतना और इसमें थोड़ा सा एक छोटा सा हम फुटजी सा है वो दिखाते हैं उसमें बात करते हैं कि 92 से अजर भाई ये सिलसिला शुरू होता है शुरू और तो तो बारिश हो गई इंग्लैंड के गेस्ट ही ये खेल रहे थे और ऐसा सिलसिला बना के आखिर में क्विजन ये आई कि एक बॉलों पे एक बॉल पे बाइस करना था तो वो बड़ा अनफॉर्चुनेट था इनके इनके लिए और फिर एक सिर्फ इवेंट जीता है इन्होंने 98 की अगर चैंपियन ट्रॉफी की बात करते हैं सिर्फ वो आई सी सी का एक इवेंट है फिर इसी तरह टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप की भी साथ देखते हैं नाइनटी नाइन का वर्ल्ड कप बहुत इंपॉर्टेंट था जिसमें मेरा ख्याल है कि इनकी हिस्ट्री की सबसे बेस्ट साइड थी बिल्कुल और वो लास्ट बॉल पर आउट हो जाना क्रूजनर का और उसके बाद वो मैच भी इनके हाथ से गया तो अगेन फिर इसी तरह सेमीफाइनल की बात करते हैं फिर 2015 का वर्ल्ड कप भी मुझे याद है वो बहुत इंपॉर्टेंट था उसमें जिस तरह की टीम इनकी परफॉर्म कर रही थी न्यूजीलैंड से हार गए फिर वर्ल्ड कप के अंदर भी 2014 में हमने देखा और उससे पहले भी कि दो दफा टी ट्वेंटी के वर्ल्ड कप में भी सेमीफाइनल में ये चोक कर गए सारी चीजों को रखते हुए आज का मैच आज का सेमीफाइनल इनके लिए बहुत बड़ा दिन था और अच्छी चीज पॉजिटिव चीज जो मुझे नजर आई जिस तरह मैंने पहले बात कीट दैट ये कहीं भी पैनिक नहीं किए कहीं भी इन्होंने अपना अग्रेशन नहीं शो किया और रहे और ये मेरा ख्याल है एक चैंपियन टीम की तमाम इंग्रेडिएंट्स जो कहना चाहिए वो नज़र आ रहे हैं ये बिल्कुल बट बड़ा इनका अनफॉर्चुनेट रहा है कि यार नॉकआउट स्टेजेस पे आके बड़े बड़े ऐसे मैचेस देखे हैं जो आ, इनके हाथ <coughs> ऐसे लगता नहीं था कि साउथ अफ्रीका हारेगा वो हार जाते थे तो एक बाकी एक बन चुका हुआ था और उनके लिए बहुत ज़बरदस्त है कि आज ये चीज़ एटलीस्ट साउथ फाइनल में तो पहुँचें एंड होपफुली बट बहुत मुश्किल होता है स्पोर्ट्स में स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स पर्सन के लिए कि यार

अगर फाइनली ये जीत जाते हैं तो सही सेलिब्रेशन तब करेंगे क्योंकि अफ्रीका हाँ, फिर, तो तो फिर है ना उसके बाद अगला मैच तो नहीं है कोई <laughs> मुझे तो क्यों, क्यों लग रहा है टूर्नामेंट इस बार जीत जाएंगे तो मेरा दिल भी यही कह रहा है आपका भी यही कह रहा है, है। मेरा दिल मैं दिल को बात नहीं कहूंगा मैं मेरी ख्वाहिश है की जीत जाए लेकिन मैं दिमाग क्या क्योंकि मैं हर दफा पिछली दफा पिछले वर्ल्ड कप में ही कह रहा था मेरा दिल कह रहा है इस दफा जीतेंगे अभी मैंने नहीं कहना चलिए मेरा दिल और दिमाग दोनों यही कह रहे हो इस बार जीत जाएंगे आपकी क्या सारी, आप सारी क्रिकेटिंग वर्ल्ड जो है जो, जो क्रिकेट को फॉलो करते हैं बड़े अरसे से देख रहे हैं वो भी इस चीज़ को बड़ा एक सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं साउथ अफ्रीका के लिए हमेशा उनके साथ ये होता है कि अच्छी टीम होती है अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं थ्रू आउट द टूर्नामेंट कोई लॉ नहीं नजर आता लेकिन जब एट द क्रिटिकल जंक्चर जब इम्पॉर्टेंट मैच होता है उसमें कोई ना कोई इनसे ये हो जाता है चौकिंग हो जाती है या कोई गलती हो जाती है तो उस वजह से ओवर द लाइन ही जाते तो उनका फाइनलली क्वालिफाई करना आई एम श्योर sure, काफ़ी दुनिया ने इसको रिलिश किया होगा सेलिब्रेट किया होगा और अच्छी चीज़ें गुड फॉर द क्रिकेट और ये डिजर्व करते हैं और अगर इस साइड को हम कंपेयर करें तो इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी या इतनी शायद जो इनकी माजी की अच्छी साइड्स रही हैं जिस तरह नाइनटी नाइन की साइड थी जिसमें लूजनर था पॉलक था क्रोनिया था गैरी कस्टन थे उससे अगर इस साइड को कंपेयर करें तो शायद इन टर्म्स ऑफ स्किल वर्क या क्वालिटी वो साइड्स बेहतर थी तो इनका को जो अगर, आपको रोकना चाहेंगे तो ये इंडिया आई कर रहा है टारगेट कर रहा है 170 के तो, तो, तो अच्छा, टारगेट है।, है ये मेरे ख्याल में जो 11 रन ऊपर वाले ना 160 से ये इंग्लैंड को कवर करने पड़ेंगे वो वो टेंशन क्रिएट करेंगे

मुझे बड़ी खुशी है एक बात की तो मुझे, मुझे लगता है फिर किसी और की पहना है। ऐसी मेरे बस चार है और की हैं। मेरे चार चारों खुली है। <laughs> है। और कलर पहले है। ये मोटे थे भैया आप आपको बड़ा बताया देखे बात सुने बंदा जब जब बंदा इंसानी खिदमत कर रहा हो इस तरह अपना ख्याल जो हो दिन की दिन की जो है वो खाना और रातों की नींद जो है भूल चुका हूँ okay. खिदमत खल्क में इतना इन्वॉल्व हो गया मसल रबीब भाई नजर नहीं आ रहे किधर है वो इधर नहीं है कहाँ है अगर होते तो आपको भी नजर आते माशाल्लाह मुतमईन होस्ट होती है जी हाँ, काफी मुतमईन अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा वैसे एक बात बताऊं हिना और इरफान और अजहर एंड बाजवा मैं पड़ोसी से जो है वो बहुत ही मुतमईन हूँ अफगानिस्तान ने जो स्ट्रेटेजी रखी है सेम हमारी वाली स्ट्रेटेजी रखी है और देखिए आज वो बाहर हो गए और यही हमारा दूसरा जो पड़ोसी मुल्क है उससे भी रखता हूँ यही उम्मीद के वो भी इस तरह अपना अपनाए और वो भी बाहर हो जाए कौन सी स्ट्रैटेजी यही जो आपके सामने है जिससे हम बाहर हुए अच्छा ओके ओके हाँ जी बुरी परफॉर्मेंस यस बैड परफॉर्मेंस अच्छा तो आप काफी अनहैप्पी लग रहे हैं मुझे उनकी परफॉर्मेंस लेकिन अब तो इट्स ओके काफी तो देर हो गई है अब तो हम फाइनल में बाकी टीम्स का जिक्र कर रहे हैं बस और... ऐसा ही है काश काश हम अपनी टीम का जिक्र करते हैं। मैं यहाँ पे एक, एक काश जो है ना ये बहुत मायूसी को रिफ्लेक्ट करता है इतने सारे शोज आपने जो किए उसमें नहीं ने उठाया और अजर अली आपसे भी सेम पॉइंट में उठाता हूँ क्रिकेट इतना नहीं जल्दी आपने क्यों छोड़ी आज जवाब बता रहे। <laughs> आज वो डौक्टर दे डौक्टर दे। डौक्टर ने कहा था छोड़ दे। अच्छा एक, 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 एक शेर याद आ रहा है छोटा है क्योंकि इसके रंग बदलते हैं क्रिकेट मैं ब्रिटिश एक्शन में बोलता हूँ मेरा मुंह रबड़ का बन जाता है क्रिकेट हाँ क्रिकेट हाँ, आपका क्रिकेट भी चल जाएगा हमें समझ जा अच्छा, गई है एक शेर यहाँ पे मैं इर्षाद जाऊंगा इरशाद नहीं ये तुम दिए मुखालिफ से ना घबरा आधी चलेगी तो शपर तो उड़ेंगे उड़ेंगी उड़ेंगे ये कैसा शेर है भाई बस ये जो भी है इलेक्शन होंगे तो आप भी घर जाएंगे ही जाएंगे नहीं नहीं इंशाल्लाह आप ये देखिएगा और मैं यहाँ पे मौके का फायदा उठाते हुए चूंकि बड़े बड़े लोग यहाँ बैठे हैं पूरी दुनिया देख रही है कैमरा मेरे मुंह पे है और मेरा मेरी आवाज अरबों तक जा रही है जी तो मैं पे अनाउंस करने लगा अपनी एक जमात का मैं एक नई जमात बनाने लगा लगाऊँ और ना ब्रेक में, में उस जमात का बताइएगा क्योंकि मुझे लगता है पहली जमात से लेकर सोलवी जमात तक सब लोग होंगे चले बहुत शुक्रिया थैंक यू सो मच जमात का नाम होगा चले इसी बात ये, पे ब्रेक ये लेते हैं जी, को से करेंगे जी हमारे साथ काफी ये लगता है दोनों इक्वल है अभी कोई ऐसा एक साइड नहीं कह सकते बहुत ये भी नहीं कह सकते इजीली चेज हो जाएगा साहब के साथ देख रहे हैं और पिच के बिहेवियर ऑब्वियसली हमें लग रहा है कि शुरू में थोड़ा सा बाउंस था, बट उब रहे हैं बीच में उसमें कहीं ना कहीं बॉल स्पिन भी किया है नीचे भी रहा है आ, तो इतना इजी नहीं होगा फिर ऑब्वियसली क्रिकेट है अभी हैवी रोल भी हो सकता है लिया हो, थोड़ा सा, थोड़ी देर हो सकता है बॉल पे बैट पे बॉल बेहतर तरीके से आए ये स्टार्ट पे डिपेंड करता है अगर ये अच्छा स्टार्ट लेगे तो मैच अच्छा होगा अगर ऊपर से दो विकेट गिर गए तो फिर मेरा ख्याल है बहुत मुश्किल का शिकार होगी और क्रिकेट में आप इतना जल्दी प्रोडक्ट नहीं कर सकते जब तक एक एक्चुअली चेज़ शुरू ना हो जाए आ, सो आई फील टफ चेज है लेकिन इंग्लैंड जैसी बैटिंग लाइन किसी भी चेज़ को आसान बना सकती है अगर उनका डे हुआ कि फिर सॉल्ट वगैरह ऊपर से चल गए तो फिर वही है कि तीन चार ओवर में गेम को चेंज कर देते हैं जी और हम अपनी लकी विनर का नाम भी बताते चलें। और बहुत बहुत मुबारक हो न्यूजीलैंड जी। ने किया था यूएई के अंदर जो कि ऑस्ट्रेलिया ने चेज कर लिया था बिल्कुल कह सकते हैं अच्छा जहर भाई हम देख रहे हैं कि जो परफॉर्मेंस बुमराह ने इस वर्ल्ड कप में दी है वो बहुत आउटस्टैंडिंग है कमिंस की बात करते हैं बुमराह की करते हैं या और... Jensen की करते हैं ये तीनों ऐसे बॉलर हैं जो आउटस्टैंडिंग किस्म की परफॉर्मेंस के साथ है इवन फरूकी की भी हमने बात की बट बुमराह की यूनिकनेस ये थी कि अगर विकेट नहीं मिल रही तो एक्स्ट्रा ऑर्डनी किस्म का वो इकॉनमी उनकी नीचे रहती है ये एक उनका एक प्लस पॉइंट है तो आप क्या समझते हैं अगर इंग्लैंड की क्या स्ट्रेटी होनी चाहिए क्योंकि इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया सब पे अटैक करते हैं वो किसी बॉलर को सी ऑफ नहीं करते तो आपका क्या ओपिनियन है देखिए बुमरा इज बाई बिगेस्ट दैट इंग्लैंड हैव टू फेस इन राइट नाउ इन चेज स्पिनर्स का भी है Uh, तो ख़ास तौर पे पावर प्ले में आई एम श्योर इंडिया बुमराह से ओवर कराएंगे और पावर प्ले ऐसा विंडो है जिसमें इंग्लैंड ने चेज़ की टोन सेट करनी है और इस तभी चेज़ कर सकते हैं कि इफ़ दे गेट स्टे अहैड ऑफ़ द चेज राइट फ्रॉम द बिगनिंग अगर रिक्वायर्ड रेट का ऊपर जाना शुरू हो गया तो पिच ऐसा ऐसा वेयर ऑफ़ होगी स्लो डाउन होगी तो उसको चेज़ करना मुश्किल होगा तो बुमराह को बड़ा टैक्टफुली डील करना पड़ेगा ये भी अप्रोच हो सकता है कि उसके ओवर्स को सी ऑफ करके बाकी दूसरे बॉलर्स को अटैक करें यह भी हो सकता है तो मेरे ख़्याल में कहीं ना कहीं जो बटलर और सॉल्ट की जिस तरह की मैंटेलिटी है उनका तो इस तरह का अप्रोच नहीं है वो हुँ. तो अटैक ही करेंगे उनका नहीं है आ, वो ये नहीं कोशिश करेंगे कि उसको सी ऑफ करें तो ये बड़ा क्रूशल होगा डिसाइजर अच्छा अगर भी अगर हम इंडिया की हिस्ट्री देखें ना लास्ट जैसे सुबह भी बात की हमने उसी ये भी दिस टाइम इज़ फॉर अफ्रीका। वी आर वेरी हैप्पी क्योंकि हमने जो है वो फाइनल में हम जा रहे हैं जलन तो हो रही होगी पाकिस्तानियों नहीं बिल्कुल नहीं हमारी मुख्य जलम नजर पाकिस्तान ने बड़ा सपोर्ट किया है हमें तो पैसों से सपोर्ट होती है पैसे दो हम सपोर्ट तो मान लेंगे अरे वॉइस जैसे लड़के हंसते हुए जरा भी अच्छा नहीं लगते वो गोवा जरा हमारे साथ गाओ हम चाहते हैं कि हमारा जो नगमा है वो आप सब लोग गाएं मिलके अफ्रीकन जो है वो इंडियन सॉन्गो में मोगुआस नहीं, नहीं, <laughs> में क्या हाल है ना, तो ये तो मुझे लगता है कैरियर रही में सारे संपन <laughs> <laughs> जैसी लड़की से हमने यहाँ पे पूछा हमें कुछ खाने के लिए चाहिए कि कि हम यहाँ पे फूड टेस्ट करना चाहते हैं तो, तो बताबा हम तो इसके बहुत बड़े फैन थे भाई साउथ अफ्रीका में जब हम आपका सोचा आप बहुत बड़े फैन थे ठीक है लेकिन अब जब से हम यहाँ पर आए हैं हमने से कहा कि क्या पका है कहती, बकरे के फीट पकाए हैं ओ माय गॉड है oh तो बकरे के फीट की इंग्लिश नहीं आती वो भी कोई होस्ट हुआ ना ट्रॉटर्स कहते हैं ट्रॉटर्स नेक्स्ट टाइम बोलना हो तो ट्रॉटर्स और आपका क्या ट्रॉटर्स है मुस्कुराते रहते कभी बात भी किया करें आप लड़की आपकी मुस्कान पे मर जाएगी ये सब झूठ है ऐसा कुछ नहीं होने वाला पिंक शर्ट ओहो हो हो, हो। पिंक लिपस्टिक पिंक शर्ट क्या मैचिंग की है हमारे साथ अंदर ही अंदर तो हमें दिल तो नहीं दे रहे <laughs> ऐसा तो कुछ नहीं है माइंड की प्रेजेंस का किया है बड़ी बात है हमें बहुत अच्छा लगा है तो कैसा लग रहा है साउथ अफ्रीका को फिनालो में देख कर मुझे आपको इधर के बहुत अच्छा लग रहा है हो ये इंसान हमेशा दिल से तारीफ करता है कोई भी यहाँ पे फीमेल कैरेक्टर आता है वो बहुत अच्छा है ना फीमेल कैरेक्टर बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है तो एक दफा तालियां हो जाए सारे फीमेल कैरेक्टर के लिए बहुत अच्छी बात है आजहर अली साहब ये तो शो एक महीने का खत्म होने है उसके बाद आप कहाँ होंगे इधर उधर कहीं ना कहीं होंगे आपने किया है बे। नहीं कभी करके देखे नहीं आए जरा आपकी चेक करते हैं हमें एक बात की समझ नहीं कि क्या? क्या है की आप पाकिस्तानी वो बहुत ज्यादा नेगेटिव बातें करते हैं जैसे मैं यहाँ पर आई हूँ मैंने गली मोहल्लों के खाने खा के मेरा पेट खराब हो गया अगर ये पेट मेरे साउथ अफ्रीका में खराब होता तो सब कहते हैं गेट वे सून लेकिन यहाँ पर जब से मैं खराब हुआ तो इरफान जैसे लड़के बाजवा साहब जैसे लड़के कह रहे हैं और हमारे रिश्तेदार का भी पेट ऐसे ही खराब हुआ था एडिया रगड़ रगड़ के मरा था तो लग रहा गलत, वैसे गलत बात है किसी तो शख्स को ऐसे मार देना हैरान है। हो रहे हैं परेशान हो रहे हैं क्या सोच रहे हैं आप आज मैं आपको देख के बहुत परेशान क्या निकल आया है आज आज बेसिकली ना उसने मुनी धोयाल है ओरिजिनल की बात कभी तो कोई नई बात किया करो आज हम क्या कहते हैं धोया सच बता देता हुँ। हुँ। अच्छी लग रही हो वैसे बाय दूर और क्या हाल चाल है मैं ठीक हूँ तो इस जैसी लड़कियाँ जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रगल के बाद जब बड़ी सारी गाड़ी लेती हैं, तो कौन सा गाना लगाती हैं? कौन सा चोला, ना। 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 लगाती है ना? बहुत अच्छा चल रहा है तुम लोग आज ब्रेक नहीं आ रही मजे की बात है

उसके वाले से हम देखेंगे अभी आपसे ज्यादा चाहेंगे अपना बहुत ख्याल रखिए अल्लाह हाफिज पाकिस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद